नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अन बाइक यार। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बजाज ऑटो लिमिटेड। बिकॉज कंपनी ने अनाउंस किया है बायबैक, बायबैक अनाउंसमेंट हुआ है एंड कंपनी ने बायबैक का जो प्राइस सेट किया है बहुत ही शानदार है। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी बायबैक लाती क्यों है, प्लस बायबैक होता क्या है एंड कंपनी का चार्ट को भी चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बजाज ऑटो देख सकते हैं एक लार्ज कैप स्टॉक है, 1,98,062 करोड़ का ये इनका मार्केट कैप है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे मल्टीपल पे अवेलेबल है। देखिए पी वाई रेशियो 29 का है और इंडस्ट्री का 169 का, तो अभी कितने अच्छे मल्टीपल में आप समझ सकते हैं, काफी अच्छा मल्टीपल, बहुत अच्छे लिक्विडिटी लेवल में अभी भी अवेलेबल है ये स्टॉक। प्योर स्कोर 6 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है एंड कोई भी शेयर देख सकते हैं मात्र 0.0 कह सकते हैं, नाम मात्र का यहाँ पर प्राइस शेयर है। डेट कंपनी को 125 करोड़ का है एंड यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर का जो स्टेक है 54.9% इस जगह पर देख सकते हैं 54.9%। और अभी जब बायबैक का अनाउंसमेंट आया है तो ये जो परसेंटेज दिख रहा है प्रमोटर का स्टेक ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 54.95। और एफआई का स्टेक यहाँ पर 14.64 है, 14.37 से बढ़ करके यहाँ पर एफआई का स्टेक ये बढ़ रहा है। डीआई का स्टेक थोड़ा गिरा है, 9.03 से 8.66 हुआ है एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक 21.54 से बढ़ करके 21.67 है। तो पब्लिक का स्टेक यहाँ पर लगभग 21% है, लेकिन जो अच्छी चीज है कि प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पर बायबैक के थ्रू बढ़ाएंगे। तो बायबैक क्या होता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, सो बायबैक कंपनी लाती क्यों है। सो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज बायबैक, सो एंड व्हाई इट इज डन। तो अ शेयर बायबैक इज व्हेन अ कंपनी पे शेयर होल्डर्स टू बाय देयर बाय बैक देयर ओन शेयर, अपनी शेयर्स को कंपनी खुद खरीदती है एंड कैंसल देम एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या हो गया, मार्केट में शेयर कैपिटल डिक्रीज कर गया, व्हाइल फ्यूअर शेयर रिमेन इन सर्कुलेशन शेयर होल्डर गेट बोथ लार्जेस्ट स्टेक इन द कंपनी एंड हायर रिटर्न ऑन फ्यूचर डिविडेंड। तो कंपनी को इस कारण से हायर फ्यूचर डिविडेंड भी आता है, प्लस मार्केट में जो रहता है कम शेयर सर्कुलेट करेगा, इस कारण से बायबैक लाया जाता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि कंपनी को बाय क्या ने क्या प्रीमियम सेट किया है, क्या किस प्राइस में बायबैक होगा। ओके, सो यहां देख सकते हैं 8 जनवरी आज इनकी मीटिंग शेड्यूल की गई थी जहां पर उन्हें प्रपोजल फॉर बायबैक हुआ, लगभग 40 लाख 40 लाख शेयर का बायबैक की बात हो रही है। परसेंटेज के टर्म में अगर चेक की जाएगा तो लगभग 1.41% शेयर्स का बायबैक यहां पर होगा एंड प्राइस जो सेट किया गया है शानदार 10,000 का, 10,000 का प्राइस सेट किया गया है यहाँ पर बायबैक को लेकर के। और बायबैक का साइज जो है 4,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का बायबैक है। सो अभी ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं किस प्राइस में, 6,984, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7,000 के प्राइस में ट्रेड कर रही है। बायबैक 3,000 ऊपर में होगा तो काफी शानदार अच्छा रिटर्न यहाँ पर आ सकता है। टर्म्स ऑफ रेगुलेशन और बायबैक रिलेक्शन, द बोर्ड बायबैक कमिटी मे टिल 1 वर्किंग डे प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट इंक्रीज द बायबैक प्राइस। तो बायबैक प्राइस बढ़ाया भी जा सकता है या फिर एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिक्रीज किया जा सकता है, प्राइस को नहीं डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ इक्विटीज को डिक्रीज किया जाएगा। प्रपोज टू बी बॉट बैक सच दैट देयर इज नो चेंज इन बायबैक साइज। तो बायबैक का साइज डिक्रीज, बायबैक का जो चार यहाँ पर जो प्राइस जो है, जो साइज जो है 4,000 करोड़ का, डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन किस किस चीज में चेंजेस आ सकता है वहां पर आप चेक कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है कि बायबैक इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय मीन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ये अप्रूवल के लिए जाएगी एंड पब्लिक अनाउंसमेंट एंड लेटर ऑफ ऑफर सेटिंग और द प्रोसेस टाइमलाइन अदर रिक्वेस्ट डिटेल जो रहेगा विल बी रिलीज इन ड्यू कोर्स। तो अभी जो रिकॉर्ड डेट है एंड एंटाइटलमेंट रेशियो है, इन सभी चीजों का फिर से अपडेट दिया जाएगा डिस्क्लोजर के थ्रू, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बताना चाहूंगा कि कंपनी ने इससे पहले भी बायबैक आया था, देख सकते हैं इस जगह पर, दिस विल बी बजाज ऑटो सेकंड शेयर बायबैक एस मेनी इयर्स। द ऑटो मेजर से पहले जुलाई 2022 में परचेज की थी शेयर वर्थ 22,500। तो इससे पहले बायबैक का जो साइज था 2,500 करोड़ का था फ्रॉम द होल्डर्स एट 4,600। तो 4,600 में उन्होंने बायबैक किया था, 2,500 करोड़ का साइज था एंड अभी जो रहता है ये देख सकते हैं ये 6,984, मतलब अपने बायबैक के प्राइस से ऊपर ये ट्रेड कर रही है। फिर से बायबैक आया है, 10,000 का बायबैक का प्राइस सेट किया गया है एंड चार्ट जो रहता है सुपर बुलिश चार्ट है, इसके लिए सपोर्ट निकल कर आ रहा है 6,800 में, 6,800। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है बजाज ऑटो को लेकर के, रिकॉर्ड डेट एंड टैलेंट रेशियो का अपडेट आएगा, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर किया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।